मिस्टर करण ग्रोवर जिनकी शादी आज ही हुई थी, भला वीर के फैंस के कमेंट्स कैसे नोटिस नहीं करते। और इस बात का पूरा क्रेडिट युग को जाता है। युग को अभी तक पता नहीं था कि करण ने आज कोर्ट मैरिज कर ली थी। उसने कमेंट करते हुए कहा, तुम्हारी बेबी सच में काफी फेमस है, देखो कैसे लोग उसके हस्बैंड ढूंढने में मदद कर रहे हैं। करण ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम खुद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हो और फिर भी तुम इतनी छोटी सी खबर को दबा नहीं सकते। युग ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, मैं कैसे दबाऊं? मेरे हाथों में इससे ज्यादा कोई चटपटी खबर है ही नहीं। अगले दिन इंटरनेट पर अचानक करण की एक धुंधली तस्वीर आ गई। एक मीडिया कंपनी के पीआर ने इस बात का दावा किया कि ये उस कंपनी के मालिक की फोटो है और लोग अंदाजा लगा रहे थे कि इसकी शक्ल बिल्कुल करण ग्रोवर से मिलती है। बस इसी के साथ ये खबर इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। करण ग्रोवर इतना स्मार्ट था कि सिर्फ एक धुंधली तस्वीर से ही कई लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। वो जितना रहस्यमय लगता, लोग उतना ज्यादा उत्सुक होते और उसकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में जानना चाहते। कई लड़कियों ने तो उसे अपना पति बना दिया था और कईयों ने उससे प्यार पाने का इजहार किया था। बहुत से लोग ये भी सोच रहे थे कि ये तस्वीर किसी और बात से ध्यान हटाने के लिए डाली गई है। करण इन सब बातों से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे बुरा लग रहा था कि किसी ने भी उसकी जोड़ी संजना के साथ बनाने की कोशिश नहीं की। जब युग को ये पता चला तो वो जोर जोर से हंसने लगा। वो इतना हंस रहा था कि हंसते हुए सोफे से गिर पड़ा। जब तुम दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है तो फिर लोग तुम्हारी जोड़ी उसके साथ क्यों बनाएंगे? करण ने मन में सोचा, तो फिर हमारा ही कनेक्शन बनाओ। करण ये बात कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे संजना का ख्याल आया, उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। संजना हॉस्टल में अपना सामान पैक कर रही थी। करण बाद में उसे लेने के लिए आने वाला था, क्योंकि वो एक सूटकेस में सब सामान नहीं रख पा रही थी, इसलिए त्रिशा ने उसे एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लाकर दिया था। उसके पास बैठकर बोलने लगी, जब तक तुम मेरे साथ हॉस्टल में नहीं रहोगी तो फिर मैं यहाँ रात को अकेले कैसे टाइम पास किया करूंगी? संजना ने कहा, मैं भले ही हॉस्टल में नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुमसे मिलने वीकेंड पर आ जाया करूंगी। त्रिशा ने कहा, ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आखिर तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। वो फिर उसने संजना को हक करके कहा, कैसे तुम्हें खुद से दूर जाने देगा? संजना ने उसके सर पर हल्की थपकी मारकर कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे दिल में तुम्हारी जगह उससे ज्यादा बड़ी है। त्रिशा ने एक्टिंग करते हुए कहा, अब मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारे पति ने ये सुन लिया तो कहीं वो मुझे पीट ना दे। करण संजना के हॉस्टल के बाहर गाड़ी पार्क करके जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा और सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। संजना ने आसपास नजर नहीं घुमाई। उसने ऐसे जताया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। पूरे रास्ते दोनों ने कुछ नहीं कहा। अब दोनों एक ही छत के नीचे रहने वाले थे। संजना पिछली रात से बस यही सोच रही थी कि वो करण के घर पर कहां सोएगी। जब कार अपार्टमेंट के नीचे रुकी तो करण ने संजना का कार्डबोर्ड वाला बॉक्स उठा लिया और संजना ने अपना सूटकेस पकड़ लिया। भले ही वो आज पहली बार यहां ना आई हो, लेकिन फिर भी आज उसके दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में घुसे, करण का फोन बजा। क्योंकि करण ने दोनों हाथों में बॉक्स पकड़ रखा था, इसीलिए वो अपनी जेब से फोन नहीं निकाल सकता था। इसीलिए उसने संजना की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मेरे जेब से फोन निकाल दो। संजना को ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, इसीलिए वो बोली, मैं बॉक्स पकड़ लेती हूँ, फोन तुम निकाल लो, ठीक है? करण ने जल्दी से कहा, जल्दी से फोन निकालो। संजना ने मुंह बनाते हुए करण की जेब में हाथ डाला और फोन निकालने के बाद उसे कनेक्ट करके करण के कानों से लगाकर खड़ी हो गई। वो नहीं जानती थी कि फोन किसका था और लोग क्या बात कर रहे थे, लेकिन उसने करण को मना करते हुए सुना, नहीं आ सकता, कोई जरूरी काम है, फोन रख रहा हूँ। ये कहकर उसने संजना से फोन काटने के लिए कहा। संजना उसका फोन पकड़कर खड़ी हो गई और उसे वापस उसकी जेब में नहीं डाला। और जब वो लोग घर पहुंच गए तो उसने करण को फोन वापस करते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो तुम जा सकते हो, तब तक मैं अपना सामान जमा लूंगी। ऐसा नहीं था कि वो लोग पहले कभी अकेले नहीं थे, लेकिन शादी के बाद साथ में अकेले, इस स्टेटस के साथ वो आज पहली बार अकेले थे, जिसकी वजह से संजना के दिल में अजीब सी बेचैनी और घबराहट हो रही थी। अगर करण बाहर चला गया तो उसके लिए अच्छा होगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उन दोनों को सारी जिंदगी ऐसे ही रहना पड़े तो। करण दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और संजना को देखते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ।
वो संजना को ऐसे देख रहा था जैसे उसके दिल की बात जानना चाहता हो। संजना को गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए उसने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और लड़खड़ाती जबान में बोली, क्यों? करण ने बहुत सीरियस होकर कहा, आज हमारी सुहाग रात है तो और किसी बात की किसे फिक्र है? संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। घबरा कर कहा उसने, कौन सी सुहाग रात? हमारी कल शादी हुई थी और वैसे भी क्या हम दोनों ने इस बात पर सहमति नहीं जताई थी कि तुम मेरी मर्जी के बिना मुझे छूने की कोशिश नहीं करोगे? तुम जाओ और जाकर अपनी मास्टर बेडरूम में सो जाओ, मैं किसी दूसरे रूम में सो जाऊंगी। ये कहकर संजना ने अपना बॉक्स उठाया और दूसरे रूम में जाने लगी, लेकिन उसने जल्दी से बॉक्स ठीक से नहीं पकड़ा जिससे बॉक्स उसके हाथ से छूट कर गिर गया और वो लड़खड़ा गई। उसके बॉक्स का सारा सामान जमीन पर फैल गया। करण उसकी मदद करने के लिए दौड़ कर आया। जैसे ही संजना मुड़ी वो सीधा करण से टकराई। बॉक्स जोर से करण की कमर पर लगा और उसकी दर्द से आह निकल गई। करण अपनी कमर पकड़कर सोफे पर बैठ गया और थोड़ी देर तक चिल्लाता रहा। संजना डर गई और उसे पूछने लगी, क्या तुम ठीक हो? क्या बहुत दर्द हो रहा है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि चोट कहाँ लगी है? संजना ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, मैं क्या करूं? आई एम सॉरी, क्या हम हॉस्पिटल चलें? क्या तुम्हारे पास मालिश का तेल है? अगर मैं थोड़ी मालिश कर दूं तो तुम्हें आराम मिलेगा। उसे बस इतना ही डर था कि वो थोड़ी देर आराम करने से ठीक हो जाता, लेकिन संजना अभी भी उसकी कमर को सहला रही थी और करण उसे देखकर अपनी डिजायर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। करण की आंखों में पैशन दिखने लगा। संजना के छूने से करण का शरीर कुछ अलग तरह से रिएक्ट कर रहा था। संजना को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि करण के दिल में क्या चल रहा है। वो मालिश करने के लिए तेल लेकर आई। करण ने तुरंत मना कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। संजना ने कहा, मालिश करने से दर्द ठीक हो जाएगा। ये कहकर उसने करण की शर्ट खोल दी। जब संजना ने उसकी मालिश की तो करण ने पानी पीकर खुद को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन उसकी पैशनेट डिजायर अभी भी शांत नहीं हुई थी। और अब जब वो उससे इतने प्यार से बात कर रही थी तो करण की भावनाएं बेकाबू होती जा रही थी। उसे संजना से बहुत प्यार करने का मन कर रहा था। एक आदमी जिसकी डिजायर बहुत समय से शांत न हुई हो तो उसका मूड खराब होना स्वाभाविक है। उसने चिढ़ कर कहा, मालिश करना बंद करो, इसमें बदबू आ रही है, ये तेल अच्छा नहीं है, इसे लेकर जाओ यहाँ से। संजना उसे हैरानी से देखते हुए बोली, हे भगवान, इतने बड़े होकर भी बच्चों जैसी एक्टिंग करते हो। उसने करण की शर्ट को और ऊपर कर दिया जिससे उसकी कमर दिखने लगे। संजना उसकी कमर देखते हुए बोली, वैसे भी मैंने देख लिया है, तुम्हें कहीं नील नहीं पड़ा, ये ठीक हो जाना चाहिए। और अगर तुम मालिश नहीं करवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फिर भी दर्द हुआ तो हम हॉस्पिटल जाकर चेक करवा लेंगे कि कहीं तुम्हारी हड्डी में कोई फ्रैक्चर या चोट तो नहीं। इससे पहले कि संजना अपनी बात खत्म कर पाती, करण ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे पुश कर सोफे पर गिरा दिया। संजना की शौक से आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि करण अब उसके ऊपर लेटा हुआ है। उसने घबरा कर पूछा, तुम क्या कर रहे हो? संजना को सोफे पर गिराते समय करण की शर्ट के बटन भी खुल गए थे और अब उसका पूरा सीना नजर आने लगा था। उसने काफी अच्छी बॉडी बना रखी थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई। करण की आंखों ने उसके दिल का हाल बयां कर दिया। उसकी आंखों में देखते ही संजना समझ गई थी कि करण क्या करना चाहता था। संजना बहुत हैरान थी। वो शांत रहने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। उसने शर्माते हुए करण को पुश करने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए। वो संजना की आंखों में गुस्सा देख सकता है जो अब किसी भी पल बाहर आने वाला था। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं? इसके घर में जरूर कोई प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ आते हैं एक अजीब सी बेचैनी, तड़प और अनकहा सा पैशनेट एक्साइटमेंट होने लगता है। लेकिन इस वक्त उसने जिसको अपनी बाहू में जकड़ रखा था वो उसकी बीवी थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो अपना ही नुकसान कर बैठेगा। अचानक से कमरे की हवा में पैशन सा भर गया। धीरे धीरे करण संजना के होठों की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें संजना पर टिकी हुई थी। संजना का हाल भी बहुत बुरा था।
उसका शरीर भी जैसे करण की तरफ खींचा चला जा रहा था, जैसे करण की आंखों ने उसकी आत्मा को वश में कर लिया हो। जब करण के होठों ने संजना के होठों को छुआ तो उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो इस पैशन में खोने ही वाले थे कि अचानक किसी का फोन बजा। संजना जैसे नींद से जागी हो, वो झटके से उठी। ये लड़का चलती फिरती परेशानी है, इसको उल्लू बनाकर उसमें डिजायर जगा दी। वो बस अपने फैसले को तोड़ने ही वाली थी कि फोन ने उसे बचा लिया। संजना ने उसके ऊपर लेटे करण को पुश किया। करण, वो किसी पहाड़ की तरह उस पर लेटकर किस किए जा रहा था और उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो धीरे धीरे उसकी आंखों पर, फिर उसके गालों पर, फिर उसके कानों पर किस करने लगा। फोन दोबारा बजने लगा, लेकिन वो दोनों सोफे पर लेटे हुए थे, इसीलिए उसने करण को जोर से हिलाने की कोशिश करते हुए, करण मुझे जाने दो, मुझे फोन उठाना है। लेकिन संजना जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, करण उसे उतना ज्यादा कसकर पकड़ लेता। वो करण का बेकाबू पैशन महसूस कर पा रही थी। करण ने धीरे से उसके कानों में कहा, अगर एक बार और हिली तो देखना मैं क्या करता हूं। उसकी आवाज बहुत भारी थी। इसके बाद संजना ने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। उसने घबरा कर कहा, करण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या तुम जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो? करण ने कहा, जबरदस्ती कौन कर रहा है? उसने प्यार से संजना को कानों पर किस करते हुए कहा, लेकिन अब अगर तुम कहती हो तो मुझे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। संजना करण की बात सुनकर पूरी तरह से घबरा गई और बोली, नो, मुझे ऐसा कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। करण ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, देखो, बड़ी होने के साथ तुम समझदार भी होती जा रही हो। करण ने संजना की कमर को सहलाते हुए कहा, इस वक्त सबसे सच्चा तुम्हारा शरीर है, जो मेरे छूते ही अपनी सच्ची फीलिंग्स बता रहा है। संजना कुछ नहीं बोल पाई। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती, करण ने एक बार फिर उसे किस कर लिया। संजना ने एक बार फिर उसे जोर से धक्का दिया। उसका फोन लगातार बज रहा था, जिसके कारण वो अभी तक खुद के डिजायर को कंट्रोल कर पाई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे कौन फोन कर रहा है। बार बार कॉल आने का मतलब तो यही था कि कोई जरूरी बात थी। संजना ने एक बार फिर करण को किक करने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत अपने पैर पकड़ लिए। संजना बोली, फोन, मेरा फोन काफी देर से बज रहा है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार फिर वही ट्रिक, क्या मैंने कहा नहीं था कि अब मुझ पर ट्रिक काम नहीं करेगी? संजना का पूरा चेहरा लाल हो गया और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मेरा फोन नॉनस्टॉप बज रहा है? कोई जरूरी बात हो सकती है? करण ने फोन उठाकर देखा तो कोई अननोन नंबर था। ये देखकर उसने फोन वापस रख दिया। संजना ने उसे एक बार फिर से पुश करने की कोशिश की, लेकिन करण पर कोई असर नहीं हुआ। करण ने कहा, तो तुम मानोगी नहीं, है ना? संजना ने गुस्से से कहा, भाड़ में जाओ, अगर तुम नहीं उठे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। करण ने उसे शरारती नजरों से देखा। जाहिर था कि संजना को छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम ठीक से बिहेव करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसके लिए सजा नहीं दे सकता? संजना ने घबरा कर कहा, इस वक्त कौन बिहेव नहीं कर रहा है? क्या हमने ये बात नहीं की थी कि तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाओगे? तो फिर ये सब क्या हो रहा है? करण मुस्कुरा कर बोला, मैं क्या कर रहा हूँ? मिसेस संजना करण ग्रोवर, क्या समझ आया? मिसेस संजना करण ग्रोवर, इन चार शब्दों ने उनके रिश्ते की पहचान बता दी थी कि वो पति पत्नी थे। संजना तुरंत करण पर गुस्सा करती हुई बोली, तुम ना? उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसने कहा, करण, सचमुच तुम नहीं सुधर सकते। करण बस उसे पैशनेट नजरों से देखे जा रहा था, जैसे उसका दिल ना भरा हो। आगे बढ़कर उसने संजना को वापस किस करना शुरू कर दिया। संजना का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे डर था कि वो इस पल में एक बार फिर बहक ना जाए। उसने अपनी पूरी ताकत से करण को पुश करने की कोशिश की और उससे कहा, बातें करना बंद करो, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम चुपचाप से उठ जाओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जैसे ही संजना ने ये शब्द कहे, पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया। करण उसे गुस्से से घूर रहा था। उसकी आंखों में जो पैशन था, अब उसकी जगह बेरुखी ने ले ली थी।
अचानक करण के चेहरे से निराशा झलकने लगी। इतने सन्नाटे में संजना को सिर्फ उसके दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। अचानक संजना का फोन एक बार फिर बजा और उसने तुरंत फोन उठा लिया। फोन उठाकर उसने करण की तरफ देखा तो वो वहां से जा रहा था। उसको उदास देखकर संजना तड़प उठी, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि वो इस बार करण को उसके दिल से नहीं खेलने देगी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, संजना संजना क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? फोन नितिशा के कोच ने किया था। संजना ने कहा, हेलो कोच। नितिशा के कोच बोले, संजना इस बार चाहे जो हो तुम्हें नितिशा की मदद करनी होगी, प्लीज एक बार उससे बात कर लो। जब नितिशा को हॉस्पिटल में होश आया तो उसे पता चला कि उसके सिर की चोट इतनी गहरी नहीं थी, लेकिन उसके पैरों में ज्यादा चोट आई थी। जरा सा पैर हिलाने से उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता था। शायद उसके दिल में कोई शक था, इसीलिए उसने डॉक्टर से पूछा कि वो कब घर जा सकती है, क्योंकि उसे स्विमिंग कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेनिंग लेनी है। डॉक्टर ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि उसकी चोट को ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन अब वो कभी भी किसी कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले पाएगी। उसके कोच उसे हर तरह से हौसला देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नितिशा इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। नितिशा ने 10 सालों से स्विमिंग के लिए कड़ी मेहनत की थी और स्विमिंग उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, ज्यादा से ज्यादा स्विमिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेना और अच्छा रिजल्ट लाना। जब से उसे पता चला था कि अब वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकती, तो उसकी जिंदगी के प्रति कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही। वो जिस स्विमिंग चैंपियन का टाइटल जीतना चाहती थी, अब वो उसे कभी नहीं मिलेगा। जब नितिशा के कोच के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने संजना को बार बार कॉल किया। जब तक संजना हॉस्पिटल पहुंची, नितिशा रो रही थी। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसके एक पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। जब उसने संजना को देखा तो वो और जोर से रोने लगी। उसने संजना को देखा और नफरत से बोली, मैं जानती हूँ कि मेरी तुम्हारे जैसी अच्छी किस्मत नहीं है और ना ही मैं एक अच्छी स्विमर हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार मानना नहीं चाहती। मुझे स्विमिंग से प्यार है और मैं सिर्फ स्विमिंग करके ही खुश रह सकती हूँ। इतने सालों के बाद स्विमिंग उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा था, लेकिन अब जब उसे स्विमिंग करना हमेशा के लिए छोड़ना था तो इस बात को आसानी से कैसे स्वीकार कर सकती थी। एक एथलीट का रास्ता शुरू से ही मुश्किल भरा होता है, चाहे वो जो कोई भी हो। जब वो इन कांटों भरे रास्ते पर चलना शुरू करता है तो उनके सामने कई मुश्किलें आती है, जिसकी वजह से कई अपना रास्ता बदल लेते हैं और कई एथलीट्स को चोट लगने की वजह से खुद बाहर निकलना पड़ता है। वो हिम्मत हारे बिना अटल खड़े रहते हैं। उनकी चोटों और दर्द के निशान जिंदगी भर उनके साथ बने रहते हैं। संजना खुद भी एक एथलीट थी, इसीलिए वो जानती थी कि नितिशा को कैसा फील हो रहा होगा। संजना ने उसे समझाते हुए कहा, एक एथलीट की जिंदगी धूप में खिले फूल की तरह होती है, जो बहुत सुंदर तो दिखता है लेकिन उसकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। ऐसा नहीं है कि तुम कभी स्विमिंग नहीं कर सकती, बस अब तुम किसी कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले पाओगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं भी किसी कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले पाऊंगी। ऐसा कोई भी एथलीट नहीं जो कभी रिटायर नहीं होगा। संजना की बातें सुनकर नितिशा का दिल भर आया और वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी संजना। संजना ने उससे और कुछ नहीं कहा। नितिशा बहुत पछता रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बेवकूफ थी जो उसकी बातों में आ गई और उसके साथ काम करने को तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि उसका साथ देने से मैं वो पा सकूंगी जो मुझे चाहिए, इसीलिए मैंने वो सब कुछ किया जो उसने मुझे करने को कहा। सच तो यह है कि मैं दिल से तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैं उसकी बातों में आ गई, मुझे माफ कर दो। एक इंसान का लालच कभी कम नहीं होता, संजना व्यंग भरी मुस्कुराहट से बोली, पहले मैंने भी तुम्हें दिल से अपना दोस्त माना था। जब मुझे तुम पर शक हुआ था तो मैंने भी भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरा शक गलत निकले। नितिशा ने धीरे से पूछा, तुम्हें कब पता चला? संजना ने पूछा, तुम आज सिर्फ ये सोचकर इतनी दुखी हो रही हो कि तुम आगे से किसी कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले पाओगी। उस दिन जब बाथरूम में लॉक होने की वजह से मैंने अपना कॉम्पिटिशन मिस कर दिया तो सोचो मेरे दिल पर क्या बीती होगी। उस दिन मेरे वॉशरूम में होने के बारे में सिर्फ तुम्हें पता था। संजना कड़वी मुस्कान के साथ बोली, चाहे जो भी कॉम्पिटिशन हो,
उसमें सिर्फ एक ही चैंपियन होता है। इतने धोखे खाने के बाद मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। ऐसे बड़े इवेंट के लिए मुझे सिर्फ खुद पर विश्वास था। नितिशा ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन मैंने तुम्हें पानी पीते देखा था, तो फिर टेस्ट में क्यों नहीं पता चला? अचानक नितिशा समझ गई, मैंने तुम्हें जिस एंगल से देखा उससे मुझे लगा कि तुम पानी पी रही हो, लेकिन मैंने सच में तुम्हें पानी पीते नहीं देखा, और बोतल में पानी कम था इसीलिए मैंने सोचा कि तुमने पानी पी लिया। अब मुझे समझ में आया। उसके समझने में गलती हो गई थी। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसके दिल में बुराई होती है वो कभी भी सही रास्ता नहीं चुनता। अगर आज उसके दिल में नफरत है तो क्या हुआ? अगर वो आज तकलीफ में है तो क्या हो गया? ये सब कुछ उसी के कर्मों का फल है। वो पहले कड़वाहट के साथ जोर से हंसी और फिर रोने लग गई। संजना, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? संजना उसे थोड़ी देर तक देखती रही और फिर बोली, तुम्हारी हर कोशिश के बावजूद तुम मुझे स्टेट टीम में सिलेक्ट होने से नहीं रोक पाई। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। वैसे तो मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि ये सब होने के बाद भी मैं तुमसे दोस्ती रखूं। ये कहकर संजना मुड़ी और वहां से चली गई। नितिशा की आंखों में पछतावे के आंसू बह रहे थे। उसने अपनी सबसे अच्छी सहेली को हमेशा के लिए खो दिया था। वो रोते हुए पीछे से चिल्लाई, संजना, रोशनी काफी दिनों से तुम्हारी बहन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारी बहन के साथ कुछ करना चाहती है। तुम्हें सतर्क रहना होगा। संजना ने काफी वक्त पहले ये बात समझ ली थी कि रोशनी उसकी बहन के लिए कुछ प्लान कर रही है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोशनी की शालिनी से क्या दुश्मनी है। संजना बहुत उदास थी। रोशनी बहुत क्रूर और अहंकारी थी, लेकिन उसने उसकी बहन को ही क्यों चुना? रोशनी जैसी लड़की बिना किसी कारण ऐसा नहीं करेगी। कहीं इसीलिए तो नहीं क्योंकि उसकी बहन बहुत ही बुद्धिमान थी? लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। फिर क्यों? ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो उसकी बहन के पीछे पड़ गई थी? भले ही संजना रोशनी को अच्छे से जानती ना हो, लेकिन हाल ही में हुई कुछ मुलाकातों से ये समझ में आ गया था कि रोशनी सिर्फ एक ही वजह से अपना आपा खोकर पागलों की तरह हरकतें करती आई है, और वो वजह करण है। भले उसकी बहन करण के स्कूल में नहीं पढ़ती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे को जानते ना हो। कहीं रोशनी ने करण की वजह से तो उसकी बहन के साथ वो सब कुछ नहीं किया? इसके अलावा अर्पिता भी उसकी करण से शादी को लेकर अजीब बिहेव कर रही थी। कहीं अर्पिता इस बारे में कुछ जानती तो नहीं? लेकिन करण ने पहले जब उसकी बहन को कोमा में देखा था तो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो उसे नहीं जानता था। लेकिन संजना का दिल कह रहा था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, शायद उसकी बहन को भी इस बारे में कुछ पता होगा, लेकिन सिर्फ रोशनी सच जानती हो। अब जब उसकी और करण की शादी हो चुकी थी तो ऐसा तो नहीं था कि रोशनी जानती ना हो कि उन दोनों के घर वाले शादी की बात करने के लिए मिलने वाले हैं। पता नहीं अब वो इसके लिए क्या प्लान करेगी। करण ने संजना को नहीं बताया था कि उसने रोशनी को शहर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया है, और रोशनी ने इस बारे में सिर्फ अपनी माँ को बताया था। उसने उन्हें सब कुछ बताया था जिसकी वजह से करण ने उसे कुछ सालों तक वापस ना आने की हिदायत दी थी। जब मिसेस मेहरा ने सुना कि रोशनी ने क्या किया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसे डांटते हुए बोली, तुम, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? तुम समझती क्यों नहीं हो? करण सिर्फ एक लड़का है, तुम्हें इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो तुमसे शादी नहीं करता तो भी वो कई और चीजों से इसकी भरपाई कर सकता है, लेकिन देखो तुमने क्या किया, अब इसकी कोई भरपाई नहीं होगी, इसीलिए भूल जाओ। लेकिन इसके बाद भी उसने तुम्हें शहर छोड़कर जाने को कहा है, क्या उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं है? रोशनी ने कहा, मम्मी मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं बस सोचती हूँ। मिसेस मेहरा उसकी बात काटते हुए बोली, भूल जाओ, मेरा तुम्हें डांटने या मारने का कोई फायदा नहीं। अगर उसने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा है तो तुम विदेश चली जाओ। वैसे भी अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं बस तुम्हें सुकून से जिंदगी बिताते हुए देखना चाहती हूँ। रोशनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो गुस्से से अपने दांत भींच रही थी, लेकिन इस बार उसके पास देश छोड़कर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था।